यहाँ पे सुकून बहुत है, ठीक है जी। जो एक मन को चाहिए ना, वो रियल में, क्या बात है, वो मन का सुकून जो होता है ना, वो यहाँ बहुत है। ये दोस्तों, यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छा फील होगा यहाँ पर रहने में। और फैसिलिटीज की बात करें तो मेरे पास तो अपनी स्कूटी कार दोनों है, और बाकी आलम भाई तो है ही है। अच्छा, आलम भाई तो वेरी नाइस मैन भाई। फैसिलिटी के मामले तो हमें सिंगापुर से भी अच्छा लगा है। ये नहीं, मतलब भीड़ भाड़ नहीं है भाई। वहाँ हमें पहले सब चीजें खरीदने जाना पड़ता था, यहाँ पे तो हमें घर में बैठे बैठे मिलती है सारी चीजें। सर, बच्चों के जैसे स्कूल की हम बात करें, बच्चों के लिए स्कूल वगैरह, दो दो तीन तीन स्कूल है, 6 स्कूल है हमारे बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए भी जाते हैं। और तो ऐसी है यहाँ पर, आप 12 बजे तक भी अकेला आदमी यहाँ पे आराम से आ सकता है, समाधान है आने के लिए। तो आपको बना करके दिया जा रहा है घर? हाँ, बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास, सब कुछ कंप्लीट, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो की किस्तें जा रही है, कैसे किस तरह से लिया आपने प्लॉट? आप तो किस्तों पर दे रहे थे, 30 गज तो मैंने अपने मतलब पेपर हो गया था, 20 गज मैंने और बढ़वाया, ठीक है। अच्छा, आज हमारा भाई ने मकान उकान सब पूरा कम्प्लीट बना के दिया, कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी। अब हम कमा कमा के भाई को मतलब दे रहे हैं। आपने जो प्लॉट लिया है आलम भाई से, आपको कैसा लगा, आपको यहाँ की प्रॉपर्टी कैसी लगी? मेरे को तो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जब आया था उसी टाइम देख के उसी टाइम बुक करा दिया था, 5,000 रुपए दे के। अच्छा, सिर्फ 5,000 रुपए दिए? 5,000 दिए थे, अब 3 EMI दे चुका हूँ 10,000 रुपए करके। यानी कि आप अब जितना मर्जी दे सकते हैं, 5,000 10,000 जो आपको अच्छा लगता है। मुझे ना दिक्कत सबसे ज्यादा है, मैं किराए के मकान में रहती हूँ। यानी आप किराए के घर में रहते हैं, आप चाहते हैं जल्दी जल्दी अपने घर में आ जाए? जी बिल्कुल। आलम भाई ये बताइए, इनका घर कितने दिन में तैयार करा देंगे? इनका तैयारी है, छत वत सब गिर गई, प्लास्टर हो चुका, छुटमुट का काम रह रहा। सोमवार तक मेरे मुनीम ने मांगा है, ठीक है, सोमवार तक काम फाइनल हो जाएगा। तो आप कैमरे के सामने कह रहे हैं, जब भी दिन से बुलवा रहा हूं भाई। तो आज की वीडियो के अंदर हम आपको लेकर के आए हैं एक बहुत ही अच्छी जगह। अगर आप दिल्ली के आसपास प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या आप ढूंढ रहे हैं अपना घर यानी जड़ से मकान, वो भी बिल्कुल दिल्ली के करीब, तो आपकी सारी फरमाइश यहाँ पर पूरी होने वाली है। यानी आपको मिलने वाला है बिल्कुल दिल्ली के पास बना बनाया घर या जड़ से मकान। तो एक बार हम फिर से आपको लेकर के आए हैं न्यू आलम प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक बार मैं आपको मिलवाना चाहूँगा फिर से एक बार आलम भाई से। तो आलम भाई, क्या हाल चाल है? क्या और धर्मेश भाई? बढ़िया सर। तो अभी हम एक बार बात कर लेते हैं आलम भाई से, और पता कर लेते हैं कहाँ पर प्रॉपर्टी है, किस तरह के प्लॉट यहाँ पर मिलते हैं, और अगर आप बना हुआ घर लेना चाहते हैं तो आप किस तरह से ले सकते हैं। तो आलम भाई, मैं आपके पास हमेशा आता हूँ और आज भी आया हूँ, हमेशा नए लोग मिलते हैं, जैसे आज भी देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं, काफ़ी भीड़ क्राउड काफ़ी रहता है आपके पास। तो ये बताइए, ये इतनी भीड़ क्यों, ऐसा क्या है यहाँ प्रॉपर्टी में? बस सभी भाइयों को प्यार देता हूँ, और अच्छा कोशिश ये रहती है सबको खुश रखूँ, और सभी भाइयों को यही चाहता हूँ भाई जल्दी से जल्दी बना कर दूँ, बस कुछ मिस्त्री होते हैं लेट सेट कर देते हैं। अच्छा जी, हाँ जी। यानी दोस्तों चाहता तो यूँ जल्दी काम हो जाए, ठीक है। यानी दोस्तों, अगर आप कहीं भी मकान सर्च कर रहे हैं, अगर आप कहीं भी किराए पर रहते हैं, अगर आप किराया दे दे करके थक चुके हैं, और आपका देखिए हर महीने किराया जाता है लेकिन घर तो आपको मिलता नहीं है, आपको मकान मालिक कभी भी किराए के घर से बाहर निकाल देगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो आप किराया दे रहे हैं उसे आप किस्तों के रूप में अगर आलम भाई को देते हैं तो सिर्फ 3 साल के अंदर आपका खुद का घर हो जाएगा। हाँ जी। तो आलम भाई बताइए हमारे व्यूअर्स को, ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, ये जो आप पूरी कॉलोनी हमारे व्यूअर्स को दिखाने वाले हैं, ये कहाँ पर है, दिल्ली से क्या डिस्टेंस है? सभी भाइयों का अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका आलम भाई आपके लिए लेकर आता रहता हूँ अच्छे अच्छे प्लॉट, और अब की बार एक ऐसा प्लॉट लाया हूँ जो मेरे सभी भाई मांगते के सस्ता। अच्छा जी। 6,000-7,000 रुपये गज, इतनी भाई सस्ती जमीन। हाँ जी, वो पर उसका उद्घाटन है ईद के एक दिन बाद, तो मतलब भाई देखेगा, पहले ही मैं दे रहा हूँ ऑफर, ईद के एक दिन बाद उसका उद्घाटन है। जो मेरा भाई आए उसको 1 से 1 महीने का टाइम रहेगा, ईद से 1 महीने बाद तक, ठीक है। अभी पहले बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ, बहुत से मेरे भाई कहते हैं भाई हमें सस्ते चाहिए सस्ते चाहिए, ईद से एक दिन बाद उसकी लॉन्चिंग है, अभी पहले ही बता रहा हूँ, फिर 1 महीना मिलेगा आपको। क्या जो मेरा भाई बहन लेना चाहता है वो आप ले सकते हो ईद से 1 महीने बाद तक, वरना वहाँ का 13-14 का रेट होगा। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है, आपको सिर्फ 6,000 एक महीने में 6-7 लाख रुपए का प्रॉफिट है। क्या आप ईद से 1 महीने बाद तक ले लेते हो तो आपको 6-7 हज़ार का रेट, 8 हज़ार का रेट मिलेगा, उसके बाद वहाँ का रेट 12-13 हज़ार 14 हज़ार का रेट होगा। और दोस्तों बिल्कुल दिल्ली के करीब ऐसी प्रॉपर्टी मिल रही है, और वो भी स्टेशन के पास, स्कूल पास, मंदिर पास, मस्जिद पास, आबादी पास,
रेलवे स्टेशन पास और लाइट पानी हर चीज की सुविधा 15 मिनट में आप पुरानी दिल्ली कम से कम पहुंच जाओगे। क्या बात है, यानी दोस्तों कोई भी डिस्टेंस नहीं है। देखिए 15 मिनट का मतलब होता है सर, मान के चलिए 10 से 12 किलोमीटर, वो भी ट्रेन से। हाँ जी, यानी 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर आपको पुरानी दिल्ली यानी जामा मस्जिद से ये पूरी लोकेशन मिलने वाली है। अगर हम बात करें बिल्कुल दिल्ली से, तो सर दिल्ली से क्या डिस्टेंस है? दिल्ली से वो पड़ेगी 2.5 से 3 किलोमीटर। ये लीजिए दोस्तों, दिल्ली से 2 से 2.5 किलोमीटर, तो आपको भी बताए कोई डिस्टेंस नहीं होता है, आप पैदल भी आ सकते हैं जा सकते हैं। सस्ती पूरे क्षेत्र में नहीं मिलेगी जितनी मैं दे रहा हूँ, वो इसलिए दे रहा हूँ मेरे भाइयों की रिक्वायरमेंट थी। बहुत से मेरे गरीब भाई है, वो परेशान है, उनकी परेशानी देख के मैं लाया हूँ ये। ठीक है, एक महीने आज से ये मानो 20 दिन ही होगी ईद के। ठीक है, एक महीना 1.5-2 महीने का टाइम है, जो अपना जोड़ लो भाई, थोड़ा बहुत अपना कर लो एडजस्ट, आपको सस्ता मिलेगा। यानी कि आलम भाई आपने पहले ही बता दिया है कि ईद पे थोड़ा खर्चा कम करें। हाँ हाँ। क्योंकि आपको आगे प्लॉट भी लेना है अभी। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों ये ऑफर दिया जा रहा है ईद के 1 महीने के बाद तक चलेगा। जो जो लोग अगर ये प्लॉट लेना चाहते हैं तो आलम भाई के पास आकर के बुकिंग करा सकते हैं। ईद के 1 दिन बाद इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी और उसके 1 महीने बाद सीधा आपको यहाँ पर प्राइस मिलेगा, मान के चलिए 10,000 से ऊपर, 12,000 का रेट मिलेगा उसका। यानी आपका पैसा 6-7 हजार का रेट है, तो वो इसका सीधा 12,000 का रेट हो जाएगा, यानी पैसा सीधा डबल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे लास्ट वीडियो में आपने हमारे धर्मेश भाई को भी देखा होगा, सर का कस्टमर को विजिट कराने का तरीका, समझाने का तरीका, दिखाने का तरीका बहुत अच्छा है। जैसे अभी हमारे पीछे भाई ने बताया था, जो जिन्होंने 120 गज का प्लॉट लिया है, तो सर आपको धर्मेश भाई कैसे लगे ये और बताइए। बहुत अच्छे हैं, यानी दोस्तों यहाँ पर अगर आप कभी भी आते हैं ना, तो आपको विजिट के लिए हमारे धर्मेश भाई और ये हन्नी भाई, हमारे हन्नी भाई आपको यहाँ पर मिलेंगे। कभी भी आप आते हैं विजिट के लिए, तो आपको ये विजिट पर लेके जाएंगे, साइट के बारे में प्रॉपर जानकारी देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी तरह का, तो आप आलम भाई से ही पता कर सकते हैं। जैसे सभी लोग कहते हैं कि हम न्यू आलम प्रॉपर्टीज़ पे हैं या कहीं और तो नहीं है, तो आप 1, 2, ये 3 चेहरे और देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप सही जगह पर आ गए हैं। तो आलम भाई, हमारे व्यूवर्स को आज की वीडियो के अंदर आप क्या लोकेशन दिखाना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को बताएं? चलो चलते दिखाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए चलते हैं साइड पर और आपको दिखाते हैं आज की वीडियो में एक और नई प्रॉपर्टी और एक बनते हुए नए घर। जहाँ भी आप लेना चाहें वहाँ पे आप प्लॉट ले सकते हैं। ये स्कूल है, ये आपका हाईवे बन रहा है देहरादून एक्सप्रेस वे। ठीक है, दिल्ली टू देहरादून। ये आपका अक्षरधाम मंदिर से आ रहा, सीधा देहरादून के लिए निकला हुआ, ये पूजा चौक है। आलम भाई, ये जो इतने सारे ऑटो हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ तक जाते हैं? ये इधर पीछे खजूरी भजनपुरा से आ रहे हैं। ठीक है, इधर ये शाहदरा से आते हैं सीधा। अच्छा, और इधर ये मेट्रो स्टेशन भी, शिव विहार मेट्रो स्टेशन। ठीक है, और ये बसें जो है हमारी सरकारी बसें भी सब, हाँ ये बसें सीधा इधर से आती है गोल चक्कर से, सीधा आपकी हरिद्वार तक जाती है, सहारनपुर तक ये। ठीक है, दिल्ली सहारनपुर काशीपुर रामनगर। अच्छा, ये लिखा है। मार्केट देख सकते हैं दोस्तों, मेन रोड पर पूरी मार्केट आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर हर तरह का सामान मिलता है। हाँ जी, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, और कभी को यहाँ कुछ नहीं था जी, सारा जंगल था ये। और ये देखिए यहाँ पर 1,000 रुपए गज, 500 रुपए गज ऐसे कटी है सब कॉलोनी, सारा जंगल। कलर जो बनने हैं जी, ये सारे दिल्ली देहरादून हाईवे के बनने हैं। हाँ, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बन रहे हैं जी। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जितने भी बैटरी रिक्शा है इनकी, आप देख सकते हैं ये सभी बैटरी रिक्शा आपको आपकी साइड तक लेकर के जाएंगे, आप इनके थ्रू आप अपनी प्रॉपर्टी तक जा सकते हैं। और देखिये यहाँ फिर से एक बार मार्केट स्टार्ट हो गई है, ये देखिए ये सारी मार्केट है। यहाँ पर मोबाइल की दुकान आपको दिखाई दे रही है, हलवाई की दुकान आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ पर देखिए साइकिल की दुकान भी है, ये देख सकते हैं। यानी मोटरसाइकिल भी ठीक हो रही है, साइकिल भी ठीक हो रही है, और ये दर्जी की दुकान, कपड़े की दुकान भी है जी, सब चीज है जी। ये देखिए यहाँ पर परचून की दुकान भी है, ये लीजिए हलवाई की दुकान भी है। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये है बिल्कुल मेन रोड जो आ रहा है बिल्कुल बाहर, जहाँ पर दिल्ली से देहरादून जाने वाला हाईवे बनेगा, बिल्कुल उसी रोड से ये टच है। और यहाँ पर एक ये घर बनाया जा रहा है जो की 200 गज का है। तो सर ये आप ही का घर है? जी, मेरा घर है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैदर है। हैदर, आप आए कहाँ से हैं, यानी आप यहाँ पर जो आए आप किसके थ्रू आए, कैसे आपको पता चला कि आप? मैंने आलम भाई की वीडियो देखी थी। अच्छा जी, उसमें मैंने इनके बारे में बहुत कुछ अच्छी बातें देखी। ठीक है, तो मेरा ट्रस्ट हुआ इन पे। अच्छा जी, मैं आके मिला तो मेरा दिल और बहुत खुश हुआ। क्या बात। उसके बाद मैंने इनसे प्लॉट लिया, अपने रिश्तेदारों को भी दिलवाए। ठीक है जी, और भी कई दोस्तों को मैंने इनसे मिलाया, तो माशाल्लाह मुझे इनकी आदत बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी, और आदत के साथ साथ सभी कुछ इनका अच्छा है और व्यवहार भी अच्छा है। अब ये बताइए, जो आपने 200 गज का बहुत बड़ा एरिया होता है, ये आप खुद से बना रहे हैं या आलम भाई बनवा? नहीं, आलम भाई बनवा के दे रहे हैं। क्या बात है जी, जी। यानी दोस्तों 200 गज तक का एरिया भी आलम भाई खुद से बना करके देते हैं। अगर आप 50 गज 100 गज जितना चाहें उतना ले रहे हैं, वो भी आप बनवा सकते हैं। बड़ा प्लॉट बनवाना चाहते हैं तो वो भी बनवा सकते हैं।
तो आपने जैसे अगर शुरू में प्लॉट लिया होगा, कितना टाइम हो गया लिए हुए? लिए हुए तो हो गया करीब कोई एक साल के आसपास। और बनाते हुए कितना टाइम है? अभी कितने दिन पहले से बनवाना स्टार्ट किया है? तीन महीने के आसपास, तीन चार महीने के आसपास। तीन महीने से पहले इन्होंने बनवाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर दोस्तों ये मान के चलिए, अगर आप यहाँ पर प्लॉट लेते हैं, अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, अगर आप आलम भाई से बनवाना चाहते हैं तो आलम भाई से भी बनवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये बैटरी रिक्शा ऑटो भी जा रहा है आपके साथ, यानी कि आपकी साइड तक बैटरी रिक्शा ऑटो की कनेक्टिविटी भी है। तो आलम भाई ये बताइए, जैसे ये जो आप 200 गज का प्लॉट आपने दिया है अभी इन्हें, और आप खुद से बना करके भी दे रहे हैं जी। तो आलम भाई अगर हमारे भाई भी इस तरह से बनवाना चाहें तो उन्हें पहले क्या देना होगा? 40% लेता हूँ बना के। ठीक है, यानी दोस्तों अगर आपका जो प्लॉट का साइज 25 गज 50 गज या जितना भी है, इन भाई को दे रहा हूँ, मनोज भाई नाम है जी, इनका वहाँ पे 100 गज का प्लॉट दिया, इनका बना लिया। ठीक है, तो जितना भी एरिया आपका है आप आलम भाई को 30-40% दे करके बाकी का अमाउंट किस्तों पे दे सकते हैं और इस तरह से घर बनवा सकते हैं। सर आपसे पूछना चाहेंगे, आपने भी आलम भाई से प्लॉट लिया है? जी मैंने आलम भाई से प्लॉट लिया है। तो कितने गज का प्लॉट लिया आपने? मैंने 100 गज का प्लॉट लिया जी। ठीक है, तो अब उसको बनाने का काम आप खुद से स्टार्ट कर रहे हैं या आलम भाई से बनवाएंगे? नहीं मैं आलम भाई से बनवाऊंगा। अच्छा जी, और कल से मेरा काम चालू हो रहा है। ठीक है जी, अब मेरा अभी नींव वगैरह खुद गई है और मैं प्लॉट भी दिखाना चाहूंगा एक बार। तो सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे आपने यहाँ पर प्लॉट लिया है तो आपको यहाँ पर क्या अच्छा लगा? ये जमीन अच्छी लगी या यहाँ पर बसावट है ये अच्छा लगा या फैसिलिटीज हैं, क्या अच्छा लगा जो आपने प्लॉट लिया यहाँ पे? हमारे व्यूअर से क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे सुकून बहुत है। ठीक है जी, जो एक मन को चाहिए ना वो रियल में, क्या बात है, वो मन का सुकून जो होता है ना वो यहाँ बहुत है। ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छा फील होगा यहाँ पर रहने में। और फैसिलिटीज़ की बात करें तो, फैसिलिटीज़ की बात करें तो मेरे पास तो अपनी स्कूटी कार दोनों है, और बाकी आलम भाई तो है ही है। अच्छा, आलम भाई इज अ वेरी नाइस मैन। फैसिलिटी के मामले तो हमें सिंगापुर से भी अच्छा लगा है, यानी मतलब भीड़ भाड़ नहीं है भाई। वहाँ हमें पहले सब चीज़ें खरीदने जाना पड़ता था, यहाँ पे तो हमें घर में बैठे बैठे मिलती है सारी चीज़ें। सर बच्चों के जैसे स्कूल की हम बात करें, बच्चों के लिए स्कूल वगैरह दो दो तीन तीन स्कूल है, अच्छे स्कूल है, हमारे बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए भी जाते हैं, और तो ऐसी है यहाँ पर कि आप 12 बजे तक भी अकेला आदमी यहाँ पे आराम से आ सकता है, समाधान है आने के लिए, क्या बात, कोई समस्या नहीं है। तो बाहर से इधर से भी और इधर से भी आराम से इजीली आ सकता है। ठीक है, तो मैं खुद आया हूँ 12:30 बजे तक, मैं खुद आया हूँ बहुत सी बार। अच्छा, बाहर से पकड़ के रिक्शा मिल जाती है इजीली। ठीक है, कोई वाहन नहीं है, मैं तो मेरे पास गाड़ी ले गई है, लेकिन कभी कभी कोई किसी के साथ गया हूँ रस्ते में उतरा हूँ, तो मैं यहाँ तक आया हूँ खुद अपने। ठीक है, ऐसी कोई समस्या नहीं, खाने पीने का हर चीज का सामान यहाँ अवेलेबल है, कोई भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो प्राइस की बात करें ना, इस प्रॉपर्टी पे अलग अलग प्राइस के प्लॉट है, अलग अलग साइट है। तो जैसे सर आपसे पूछना चाहेंगे, आपने जो एक साल पहले प्लॉट लिया होगा तो उस टाइम क्या प्राइस रहे होंगे यहाँ पर? उस टाइम यहाँ पे मेरे ख्याल से 12-12.5-13 का रेट था। और आलम भाई आज की डेट में क्या रेट हो रहा होगा यहाँ पे? 18-20 का रेट है। 18-20 का, यानी कि साल भर में इतना पैसा बढ़ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये सारा कमाल है, बिल्कुल दिल्ली के पास की प्रॉपर्टी है, मेट्रो स्टेशन के पास की है, और पास में सर यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है कोई? बिल्कुल सामने तो है। अच्छा, ये क्या नाम है जी उसका? नुसरताबाद खड़खरी। तो दोस्तों नुसरताबाद खड़खरी रेलवे स्टेशन आपको नियर बाई मिल जाता है। बाकी आलम भाई हैं यहाँ पर, आप कभी भी आते हैं आपको आलम भाई साइट विजिट कराएंगे, अलग अलग तरह की साइटें दिखाएंगे, आपको जैसी साइट चाहिए वैसी आप ले सकते हैं। आलम भाई कितने रुपए से स्टार्ट है प्रॉपर्टी? 8,000 रुपये गज से लेके 25,000 रुपये गज तक है, जैसे आप लेना चाहो हर तरीके की मिल जाएगी। दोस्तों एक बार यहाँ पर देखिए, ये घर है, इसके यहाँ पर मीटर लगा हुआ है सारा, आगे देखिए सारे घर बने हुए हैं, पूरी कॉलोनी बसी हुई है, सारे मकान बने हुए हैं, छत पर देखिए पानी की टंकियाँ रखी हुई हैं, आपको फैसिलिटी देखने से ही नज़र आ रही होंगी, गाड़ियाँ देखिए गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पर सारी। तो हर तरह के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, आप जैसा चाहें वैसे यहाँ पर आकर के रह सकते हैं। तो आलम भाई एक ये नया घर बनना है, यहाँ भी दुकान निकाली हुई है आगे, और पूरा घर कितने गज का है? पूरा इन्होंने 200 गज लिया है। अच्छा जी, आधे में बनाया जी, यानी अभी 100 गज के आसपास बनाया है। 60-70 गज में बनाया है, देखिए। और बाकी का एरिया इनका इधर खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ और भी प्लॉटों का काम स्टार्ट हो गया है, देखिए एक बार। हाँ जी, दिखा दीजिए, ऊपर से दिखा दीजिए, कोई बात नहीं, आ जाओ। किस तरह से बना हुआ है ये घर? दो कमरे हो गए। अच्छा, एक इधर हो गया, लैट्रिन बाथरूम होगी, ये वॉशरूम होगी। अच्छा, ये दुकान है बाहर, इसमें शटर भी लगा हुआ है, गेट भी है। एक कमरा ये हो गया आपका, और इधर यहाँ पर रसोई बनाई जाएगी। अच्छा, यहाँ से जीना भी दे दिया ऊपर, देखिए पूरा लेंटर का काम हो रहा है यहाँ पर, देख लो। हाँ जी, ऊपर चलिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी हम इस घर की छत के ऊपर आ गए हैं। इस तरह से पूरा घर देखिए काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। एसएस की ग्रिल यहाँ पर देख सकते हैं, ये एसएस की ग्रिल लगी हुई है। सामने भी घर बने हुए हैं, इधर दिखाना चाहेंगे आपको, यहाँ भी चारों तरफ देखिए पूरी कॉलोनी बसी हुई है, चारों तरफ घर है। और इधर भी दिखाना चाहेंगे आपको, देखिए यहाँ पर मंदिर देखिए सामने,
लक्ष्मी नारायण मंदिर आपको बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी मंदिर है। और यहाँ पर देखिए एक और घर का काम स्टार्ट हो गया है, ये देखिए। और यहाँ पर आपको मस्जिदें मिल जाएगी, पास में मस्जिद है, वो व्हाइट मकान के पीछे मस्जिद है। अच्छा जी, उधर वहाँ पे मस्जिद भी आपको मिल जाएगी, यानी मंदिर मस्जिद हर चीज़ है यहाँ पर। देखिए पूरी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, पूरी बसावट है। ये देखिए मेन रोड जो हमने आपको भी नीचे दिखाया था, ये पूरा मेन रोड है, चलता हुआ मेन रोड आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं आलम भाई के पास और आकर के अपनी पसंद का प्लॉट ले सकते हैं। देखिए एक प्लॉट और बनना है, ये कितने गज का प्लॉट है सर जो आपने बताया आपने आलम भाई से लिया है? मैंने सर ये 100 गज का प्लॉट लिया आलम भाई से, और मैंने ये धनतेरस के टाइम पे लिया था। अच्छा जी, इसी धनतेरस पे? हाँ जी हाँ जी। तो मैंने 1100 रुपए देके बुक करा था, उसके बाद मैंने अभी तक आलम भाई को 1 लाख रुपीस दिए हैं। ठीक है जी, प्लॉट के। अच्छा जी, और बनाने के मैं अलग दे रहा हूँ। ठीक है, ये अभी मैंने कराया, लेकिन आपसे आगे सारा आलम भाई कराएंगे। यानी दोस्तों यहाँ पर आलम भाई ने ये 100 गज का प्लॉट पूरा बना करके देंगे। तो यहाँ पर आलम भाई जैसे यहाँ पर ये प्लॉट बनाते हैं, जैसे कि एक मंजिल बना करके देते हैं, तो आप कितना बनवाना चाहेंगे ऐसे? नहीं, मुझे तो अभी फिलहाल एक ही मंजिल रहने के लिए, बच्चों के लिए चाहिए, लेकिन आगे मैं 4 मंजिल बनाना चाहता हूँ और ऊपर बनाएंगे। हाँ, आगे बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये पिलर और सब कुछ, यानी पहले से मजबूत काम करा रहे हैं आप। बहुत मजबूत। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं आप इस तरह से आप खुद से भी बना सकते हैं और चाहे तो आलम भाई से भी बनवा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लोगों ने किस तरह से घर बनाए हुए हैं, यानी रिहाइश भी साथ में और दुकान भी साथ में। देखो सिराज भाई 30 फुट का रोड है ये, देखिए पहले आप रोड देखिए पीछे पूरा कितना चौड़ा रोड है, 30 फुट रोड है। ठीक है जी, बना के दिया एक मैंने सऊदी अरब वाले को बना के दिया। अच्छा जी, ऑनलाइन बुक किया, ये भी आप ही ने बना के दिया? हमने बना के दिया। तो देखिए 2 साइड की दुकानें हैं, घर भी है, सारी चीजें हैं। अब मैं आपको एक प्लॉट दिखाता हूँ जो ऑनलाइन बुक किया था बिना देखे। अच्छा जी, बना के दिया, नाम है उनका सिकंदर। क्या बात, सिकंदर भाई को दिया, वो दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पर मीटर लगा हुआ है, बिजली का मीटर आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आलम भाई आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसा प्लॉट जिसे कि ऑनलाइन बुक किया गया था सऊदी अरब से, और बगैर देखे अभी तक वो यहाँ पर आए भी नहीं है। आलम भाई ने उस प्लॉट का काम पूरा कर दिया, कंप्लीट कर दिया, घर बना दिया है। चलिए वो घर देखते हैं। तो देखिए यही है वो घर आलम भाई, यही है वो घर जो सऊदी अरब से बुक किया गया था और आपने बनवा भी दिया है। क्या बात है, देखिए दोस्तों लोगों का कितना विश्वास है। देखिए सबसे पहले ये बिजली का मीटर, ये देखिए मीटर भी लग चुका है। और यहाँ पर हमारे भाई रहते हैं सऊदी अरब, वहाँ से प्लॉट बुक हुआ है और आलम भाई ने कंप्लीट बनाया है। आइए दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये इस तरह के फ्लैश डोर यहाँ पर लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर अंदर आ जाते हैं और हम अभी काम चल रहा है यहाँ पर, ये देखिए एक रूम इधर है, यहाँ पर देख सकते हैं ये एक रूम है और एक रूम यहाँ पर है, ये देख सकते हैं आप। तो आलम भाई इधर का एरिया क्या है? ये लैट्रिन बाथरूम। अच्छा, इधर यहाँ पर टॉयलेट का काम चल रहा है अभी, यहाँ पर देख सकते हैं ये किचन है, ये देख सकते हैं। दोस्तों देखिए कितनी प्यारी ग्रिल यहाँ पर घर के ऊपर लगाई गई है, इस तरह से कंप्लीट कर दिया गया है, ममटी भी बन चुकी है। तो आलम भाई आपने एक फ्लोर बनाने के लिए कहा था, एक ही बोला उन्होंने, एक बना के दे दिया, एक बना दिया है। तो अभी ये कहाँ पर रहते हैं हमारे भाई? सऊदी में रहते हैं, ड्राइवर है, बस चलाते हैं सऊदी अरब में। ठीक है जी। अच्छा तो जी, उन्होंने ऑनलाइन बुक किया था बिना देखे। ठीक है ठीक है, उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए, मैंने बनवाना चालू किया, अब उनके बच्चे आ चुके हैं। अच्छा, अभी अपने ऑफिस के पीछे किराए पर रह रहे हो। ठीक है, 2-4 दिन में अब शिफ्ट हो जाएंगे, पेंट का काम चल रहा है। क्या बात है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से लोग इतना विश्वास करते हैं और यहाँ पर बगैर देखे प्लॉट बुक कर देते हैं और बनवाने तक के लिए पैसे भेज देते हैं। सिकंदर नाम है, क्या हो गया, जो भी भाई मेरा, कभी बहुत से भाई ये सोचते हैं कि झूठ बोल रहा है या कुछ गलत बात सोचते हैं, तो वो भाई आके बोले मुझसे कि भाई मुझे वो प्लॉट दिखाओ, उस मालिक से मिलाओ, मैं उससे मिलवाऊंगा, आपको मिलवाया भी जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सारी चीजें जैन, सारी एक नंबर काम होता है। बाकी दोस्तों अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें, आपके अपने चैनल सिराज सैफी को सब्सक्राइब करें और साथ में होगा एक बेल आइकन यानी घंटे का बटन, उसको जरूर दबाएं। तो इसी के साथ हम चलते हैं, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।